फ्रेंड्स, टुडे वी हैव टू डिस्कस अबाउट एमसीक्यू ऑफ परफेक्ट कंपटीशन। बिफोर आई डिस्कस अबाउट द एमसीक्यू, आई वांट टू रिमेंबर ऑल द पॉइंट ऑफ परफेक्ट कंपटीशन। एज यू नो दैट लार्ज नंबर ऑफ बायर्स एंड सेलर्स आर देयर सेलिंग होमोजेनस गुड। इंडस्ट्री इज द प्राइस मेकर एंड फर्म्स आर द प्राइस टेकर। देयर इज नो एडवर्टाइजमेंट कॉस्ट। देयर आर फ्री एंट्री एंड फ्री एग्जिट। फर्म्स कैन अर्न सुपर नॉर्मल प्रॉफिट, नॉर्मल प्रॉफिट और लॉसेस इन शॉर्ट रन, बट दे जनरली अर्न नॉर्मल प्रॉफिट इन लॉन्ग रन। परफेक्ट कंपटीशन इज ए हाइपोथेटिकल सिचुएशन, दैट इज इट इज एन इमेजिनरी सिचुएशन व्हिच वी कंसिडर टू बी एन आइडियल सिचुएशन, बट अकॉर्डिंग टू यूजीसी नेट द एग्जाम्पल फॉर परफेक्ट कंपटीशन इज द फूड ग्रेन। देन वी ऑल्सो डिस्कस दैट व्हेन एम आर इक्वल टू एम सी एंड एम सी शुड कट एम आर फ्रॉम बिलो, or MR equal to MC or MC should be rising, both are the point where we have to find the equilibrium point of perfect competition. And you have to remember, industry is the price maker and farm is the price taker, and our question is that in perfect competition farm is the price taker, industry is the price maker and farm is the price taker. In the long run, the supply curve is perfect competition. In the long run, the supply curve in the perfect competition is MC curve, AR curve, MR curve. In the long run, the supply curve in the perfect competition is MC curve, MR curve, AR curve. Then the locus of MC equal to AC point. So you have to take the point D, where MC equal to AC, you have to know that it is the point of the supply curve in perfect competition, because so much flexibility is there in the market. Perfect competition assumes, what it assumes? Variety of goods, product differentiation, homogeneity of good, low price cost. And we have to know that selling homogeneous good is a characteristic of perfect competition. So you have to take point C, which is homogeneity of good is the perfect competition assumption. The price in a perfectly competitive market is determined by state, demand and supply, cost of production and profit margin. And you have to take in a close eyes only, that is demand and supply. जो परफेक्ट कंपटीशन मार्केट होती है वहाँ प्राइस कैसे डिटरमाइन किया जाता है, तो डिमांड और प्राइस को देखें। वेयर द डिमांड कर्व एंड सप्लाई कर्व इंटरैक्ट विथ ईच अदर, दिस इज कॉल्ड द पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम। देन क्वेश्चन नंबर 5, एफिशिएंट एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज इज लाइकली टू बी अचीव्ड अंडर परफेक्ट कंपटीशन, ओलिगोपोली, मोनोपोली एंड डुओपोली। एंड यू हैव टू नो दैट एज इट इज ए आइडियल मार्केट, सो यू हैव टू नो दैट एफिशिएंट एलोकेशन ऑफ रिसोर्स इज लाइकली टू बी अचीव्ड अंडर परफेक्ट कंपटीशन ओनली। क्वेश्चन नंबर 6, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग आर द सेम एट ऑल लेवल्स ऑफ आउटपुट अंडर परफेक्ट कंपटीशन, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग आर द सेम एट ऑल लेवल्स ऑफ आउटपुट अंडर परफेक्ट कंपटीशन, मार्जिनल कॉस्ट एंड मार्जिनल रेवेन्यू, प्राइस एंड मार्जिनल रेवेन्यू, प्राइस एंड एवरेज रेवेन्यू, ऑल ऑफ द अबव। एंड यू हैव टू नो दैट वी हैव टू रीड इट टाइम टू टाइम फॉर एम आर इक्वल टू एफ सी, एम आर इक्वल टू एम सी, सो दैट हियर यू हैव टू नो दैट मार्जिनल कॉस्ट एंड मार्जिनल रेवेन्यू इज देयर, मींस यू हैव टू टेक पॉइंट वन ओनली, पॉइंट ए। क्वेश्चन नंबर 7, परफेक्ट कंपटीशन इज डिजायरेबल ड्यू टू एग्जिस्टेंस ऑफ एक्सेस कैपेसिटी, एब्सेंस ऑफ एक्सेस कैपेसिटी, नो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट एंड परफेक्ट नॉलेज। हियर क्वेश्चन इज दैट परफेक्ट कंपटीशन इज डिजायरेबल ड्यू टू एग्जिस्टेंस ऑफ एक्सेस कैपेसिटी, एब्सेंस ऑफ एक्सेस कैपेसिटी, नो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट एंड परफेक्ट नॉलेज। And the right option is option B, absence of excess capacity. You have to know that they have to know that particular point of demand and supply. That's why only it's the ideal market. Here no more excess capacity is there, and then nothing transportation cost is there, perfect knowledge is there. So perfect competition is desirable, the absence of excess capacity. In the long run equilibrium, a competitive firm earns supernormal profit, profit equal to other firms, normal profit, no firm. And we have to told that in our point, in the long run we have to find only normal profit in perfect competition. So you have to know that normal profit is the correct option. When MC equal to MR equal to AC equal to AR shows the long run equilibrium of the competitive firm, oligopolist firm, monopolist firm and none. You have to know that MC equal to MR, AC equal to AR, so that it very easy, it is a competitive firm only. Firms under perfect competition in the short run can earn only abnormal profit, normal profit, loss and any of the above. So you have to know that in short run anything should be happen.
So any of the above is the right option. Maybe it's normal profit, abnormal profit, loss, anything should be there.